रेनेटस वेलनेस में अभी भी आने के बाद लोग एजुकेशन पे फोकस लगभग ना के बराबर कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया, एक छोटा सा सर्वे किया मैंने, खास करके अपने प्रॉपर जितने भी हमारे रेनोवियन हैं, मैंने उनका सर्वे किया, मैंने पता लगाने की कोशिश की, जिन आदतों की वजह से हम पूरी तरीके से बर्बाद हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग ना उठना, एक्शनेबल पैटर्न को डेवलप ना करना। पता है कि ये किताब मेरी लाइफ चेंज कर सकती है, लेकिन ये किताब ना पढ़ना। जब हम जुड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमें युद्ध लड़ने जाना है, युद्ध नीति सीखना है, तो पहले शस्त्र उठाने की नीति सीखना पड़ेगा। शस्त्र अगर संभालना आ गया तो शस्त्र चलाना भी आएगा। फिर दोहराता हूं, शस्त्र संभालना आ गया तो शस्त्र चलाना भी आएगा। और अगर शस्त्र खुद ही नहीं संभाल पा रहे हो तो चला नहीं पाओगे, और जब शस्त्र खुद नहीं चलाना आएगा तो अपने लोगों को सिखा नहीं पाओगे युद्ध में जाने के लिए, तो आप अकेले पड़ के बिखर जाओ। शस्त्र से तात्पर्य है आपका प्रोडक्ट एंड प्लान, वो आना चाहिए। संभालने से मतलब है उसका प्रयोग, यानी कि प्रोडक्ट एंड प्लान की गहराई में जानकर किस पे कब किन परिस्थितियों में प्रयोग करना है, यही है आपका शस्त्र पकड़ना और शस्त्र को संभालना। और उसके बाद आता है प्रॉपर वे में चलाने की क्रिया। जिस वक्त आप अपनी टीम को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं और उनको संवारना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज मेन स्ट्रैटेजी। याद रखिए, क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी ये है कि जो चीजें मुझे तकलीफ देती हैं, उन चीजों को करना स्टार्ट करना। जैसे आने के साथ में पैसा कमाना सबको बहुत अच्छा लगता है, अचानक से आप आए, आपको दो चार लोग आपके साथ काम करने वाले मिल जाए, 2,000-4,000 रुपए हफ्ते में आना स्टार्ट हो जाए, बहुत आसान है और बहुत मजेदार है, इसमें बहुत मजा आएगा, लगेगा वाओ वाओ गजब 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 गजब, मेरे पास पैसे आने लगे, मेरे पास पैसे आने लगे, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, एक्साइटेड हो जाएंगे आप, पैसे आ रहे पैसे आ रहे पैसे आ रहे, ये बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है, बहुत आसान है, मजेदार भी है। हो सकता है आपका फेस वैल्यू किसी भी इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन रहा हो, आपके 4, 5, 10, 20 चाहने वाले रहे हो, जहां पे आपका स्किल टेस्ट हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? स्किल का टेस्ट हुआ ही नहीं, आप काबिल कितने हैं ये पता ही नहीं चला। जब आपकी काबिलियत पता नहीं चली, जब आपकी नॉलेज का अंदाजा लगा ही नहीं और बगैर परीक्षा के पास हो गए, तो एक दिन में 86,400 सेकंड परमात्मा ने, ईश्वर अल्लाह जीसस वाहेगुरु ने आपकी जिंदगी में दिए, उसमें से सिर्फ 20,000 सेकंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कितना? ओनली 20,000 सेकंड एवरी डे। दुनिया इधर की उधर हो रहा है, 66,000 सेकंड जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20,000 सेकंड की कंप्लीट निचोड़ आपके समक्ष होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अब तो जनाब मुकाबले में बने हुए हो, और ऐसा नहीं होता है दूर दूर तक मुकाबले में नहीं रहोगे, निपट जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही? पूरी समझ में आनी चाहिए। निगाहों से निगाहों में बातें हो रही है और थोड़ी ये डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग हो रही है ना, समझना है, एहसास करना है, फील करना है। मैंने क्या कहा, रेनेटस वेलनेस में आने के बाद अगर आपने 72 घंटे के अंदर प्रोडक्ट और प्लान सही नहीं किया, आपको आने के बाद अगर बेहतर तरीके से नहीं पता है कि रेनेटस वेलनेस में कामयाबी के सूत्र क्या है, आने के बाद अगर ये बेहतर तरीके से नहीं पता है कि मैं टीम को बेहतर अपग्रेडेशन मोड को क्रिएट कैसे करता हूं और मेरे बूस्टर पॉइंट क्या है, मुझे डायरेक्टर 500 पे कैसे टीम डेवलपमेंट बोनस मिलता है, मुझे एग्जीक्यूटिव पे कैसे जनरेशन एडवांसमेंट बोनस मिलता है, मुझे कहां से कितनी बार रैंक क्वालिफाई करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है, 5 बार या 6 बार या 1 बार में ही मिलता है, क्या करना पड़ेगा मुझे डोमेस्टिक रिट्रीट अचीव करने के लिए, क्या सिर्फ 3,000 सीसी काफी होगा, दोनों ग्रुप में करना पड़ेगा, क्या कैरी फॉरवर्ड भी काम करेगा, हेलो गलती से कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है क्या वो भी 3,000 सीसी में काम करेगा रिट्रीट अचीव करने के लिए, क्या 45,000 सीसी में मेरा पहले का कुछ बचा हुआ सीसी भी काम करेगा। अगर ये सारे सवालों का जवाब नहीं पता होगा तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाओगे लेकिन कभी पूरे नहीं होंगे। लाखों की इनकम
हफ्ते में कमाने के लिए परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट होकर, जिद्दी होकर, संकल्पित होकर, यथ के समान धारकर सीखना तो पड़ेगा. यू डोंट हैव चॉइस. मेरी बात समझ में आ रही है? कितना लोग को समझ में आ रही है? अरे हम तो बहुत बढ़िया अंदाज में समझा रहे हैं जी. आई एम इन मूड, डिफेंड मूड में हुआ. कितने लोग को बुझा रहा है ट्रेनिंग हमारा, लालू जी के अंदाज में समझा है. हेलो, कितने लोग बुझ रहे हैं ये ट्रेनिंग को? एकदम बुझिए, कंफ्यूजियाना नहीं है, जिला हिला देना है. जौनर राज्य के हैं आप, पंजाब के हैं तो पंजाब को, और महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र को, अब बिहार के हैं तो गर्दन मिला दीजिए. जहां के हैं वही जैसे, जितना आपको तय है बस जीतने की कीमत अदा करने के लिए तैयार रहिए.